सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। बहुबुद्धि समायुक्ता सुविज्ञाना बलोत्कटान शक्ता यचवितुम धूर्ता ब्राह्मण छागलादिव। अर्थात अपनी बुद्धि और शक्ति का उचित प्रयोग करने वाले व्यक्ति अपने से कहीं अधिक बलवान शत्रु पर भी विजय प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। जैसे उन चालाक चोरों ने ब्राह्मण से बकरा ले लिया था। सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कथा ब्राह्मण और तीन चोर। किसी देश का निवासी मित्र शर्मा नामक एक अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने यज्ञ के लिए किसी यजमान से मांगकर एक हृष्ट पुष्ट बकरा अपने कंधे पर लादकर वापस अपने घर लौट रहा था कि रास्ते में भूख से परेशान तीन चालाक चोरों ने उस बकरे को देखा और ब्राह्मण से उसे हथियाने की योजना बनाई। पहला चोर एक तिलकधारी ब्राह्मण बनकर उधर से गुजरा और थू थू करते हुए उस ब्राह्मण से कहने लगा, ब्राह्मण होकर भी इस कुत्ते को कंधे पर बिठाते हुए तुम्हें लाज नहीं आती? ऐसा कहा गया है कि कुत्ता मुर्गा और चांडाल एक समान अछूत हैं, इसलिए इसको छूना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, जीवित बकरे को कुत्ता बताते हो, लगता है तुम्हें आंखों से ठीक दिखाई नहीं देता। चालाक चोर बोला, महाराज आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं, आपको मुझ पर विश्वास नहीं आता तो जाइए, गांव में जब आपकी थू थू होगी तब आपको समझ में आ जाएगा। ब्राह्मण अभी थोड़ी ही दूर चला था कि सपेरे के वेश में दूसरा चोर सामने आकर उससे बोला, बहुत दुख की बात है, हालांकि ये मरा हुआ बछड़ा आपको बहुत प्रिय है, पर फिर भी एक मरे हुए बछड़े को कंधे पर रखना सही नहीं है। ऐसा कहा गया है कि मरे हुए पशु को छूने के पाप की निवृत्ति के लिए तो चांद्रायण व्रत करके पंचगव्य पीना पड़ता है। महाराज आप ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं? इस मरे हुए बछड़े को लेकर गांव में घुसने की भूल मत करना। ब्राह्मण ने चोर को लतड़ाते हुए कहा, क्या तुम अंधे हो जो बकरे को मरा हुआ बछड़ा बता रहे हो? चोर बोला, मैं अंधा ही सही, लेकिन आप क्रोध ना करे, जो मैंने देखा वो कह दिया, अब आपका जो जी चाहे वो कीजिए। थोड़ा आगे बढ़ने पर तीसरा चोर ब्राह्मण के सामने आकर बोला, आहा ब्राह्मण देवता, ये सही नहीं है जो आप गधे को कंधे पर रख कर लिए जा रहे हैं। ऐसा कहा गया है अगर मनुष्य गधे को ज्ञान से या अज्ञान से छू ले तो उस पाप की शांति के लिए वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए, इसलिए कोई दूसरा इसे ना देखे उसके पहले इसे त्याग दीजिए। तीनों चोरों की अलग अलग बात सुनकर ब्राह्मण डर के मारे बकरे को जमीन में डालकर अपने घर की ओर चला गया। ब्राह्मण को इस तरह मूर्ख बनाकर उस बकरे को खाया और अपनी भूख मिटाई। सीख तो हमने कहानी में देखा कि किस प्रकार एक ब्राह्मण को यजमान से हृष्ट पुष्ट बकरा मिल गया, पर रास्ते में भूख से परेशान तीन चोरों की उस बकरे पर नजर पड़ गई। तीनों ने मिलकर ब्राह्मण से बकरे को चुराने के लिए योजना बनाई और तीनों रास्ते में वेश बदल बदल कर कभी उस बकरे को कुत्ता तो कभी मरा हुआ बछड़ा तो कभी गधा बताने लगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अंत में उन्होंने उस ब्राह्मण को गलत साबित कर दिया और ब्राह्मण बकरे को रास्ते में छोड़कर ही भाग गया। फिर तो चोरों ने बकरे को मजे से खाया। इसीलिए कहा जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य कर सकता है।